आउटफिट में जहाँ पर ऊपर कैंटीन एक छोटा सा रेस्टोरेंट या फूड गली बोले वो खुली है। यहाँ पर फूड के बारे में बहुत कुछ सुना, तो आज हमने सोचा कि चले जाकर देखते हैं कि कैसा है। एक्सप्रेस कैंटीन की एक फूड स्ट्रीट टाइप की छोटी सी एक रेस्टोरेंट खुला है और आज मैं वहाँ पर आई हूँ और अभी अंदर जाकर देखते हैं कि ये कैसा है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का फूड कैसा है। ईज़िली हर एक बंदा इसे अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, ओवरऑल इसकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसी है, सो सब आपको बताऊँगी। मेरे साथ रहिए। इनका वेटिंग एरिया है, जब अंदर सिटिंग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा तो आप लोग आए यहाँ वेट कर सकते हैं। अच्छा बना हुआ है इनका। हॉल है यहाँ पर बहुत कलरफुल सी। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कैंटीन, जहाँ का फूड काफ़ी रिजनेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ड्यूरिंग शॉपिंग अगर आप यहाँ आते हैं सो आपको कहीं बाहर जाकर खाने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा सेटअप है, मैं आपको दिखाती हूँ सारा कि यहाँ पर सिटिंग का बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके अलावा इनका जो फूड है बहुत रिजनेबल है और यहाँ पर सब कुछ चावल भी है। फूड फार्म एंड शो हमारा स्टार्टर आ गया है, पानी पूरी। चलो देख कर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अभी हमारी कैंटीन स्पेशल एक डील है जिसमें बीफ भी है, मटन भी है और चिकन भी है। तो गाइस खाना बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी थी और ये एक
ऐसा प्लेस है जहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अगर आपके साथ सीनियर्स हैं, अम्मा अब्बाएँ, तो सबकी पसंद की, सबके मतलब का खाना आपको मिल जाएगा। बच्चों के लिए यहाँ पर हाफ फ्राई एग भी मिल रहा है। फ्राइज तो हर एक जगह मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो फ्राई एग खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें मौजूद हैं। बहुत अच्छा सेटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, फूड बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप फूड ऑर्डर करके भूल जाएं। बट यहाँ पर हमने फूड ऑर्डर किया और विद इन 10 मिनट्स हमारा फूड हमारे टेबल पे था। और अगर आप यहाँ की पानी पूरी ट्राई कर लें तो यार ज़बरदस्त चीज़ है पानी पूरी यहाँ की, बहुत मज़े की है और बहुत मस्त।